आए थे घाटी में हम लोग डायलिसिस मशीन के इशू को लेकर यहाँ पर आए थे। तब हम जब आरएमए ऑफिस के सामने खड़े थे तो एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट की गाड़ी आई और जो पेशेंट्स हैं गरीब पेशेंट, अगर मैं मेरी बेटी को लेकर अगर घाटी हॉस्पिटल में आता हूँ और अंदर मेरी बेटी को दवाखाने में दिखाता हूँ और जब बाहर मेरी बेटी जो है तो मुसीबत हाल में उसकी तबीयत ख़राब है, अगर मैं उसको लेकर हॉस्पिटल में से बाहर आता हूँ अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट मेरी गाड़ी ऐसे में उठाकर लेकर चले जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी समझना चाहिए कि आप घाटी के अंदर मजलूम जो परेशान हैं लोग आते हैं उनकी गाड़ी उठाने के लिए आप घाटी के अंदर आ रहे हैं। मैंने तुरंत जो है तो यहाँ पर आकर सुपरिटेंडेंट को एक लेटर दिया कि आइंदा घाटी के अंदर कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट की गाड़ी नहीं आना चाहिए और यहाँ से कोई पुलिस कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने गरीब आवाम की गाड़ी नहीं उठाना चाहिए। यही लेकर हम लोग अभी जिले सर से भी मुलाकात की, हमने यही बात जो है तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पुलिस से भी की कि आइंदा आपके घाटी के अंदर आकर गरीब आवाम की जो परेशान पेशेंट को देखने के लिए आ रहे हैं या पेशेंट को लेकर आ रहे हैं आपने उनकी गाड़ी नहीं उठाना चाहिए। यही बात लेकर हम जिले सर से मुलाकात किए, उन्होंने हमसे एक लेटर रिटर्न में मांगा, मैंने उनको तुरंत अपने रिटर्न में एक लेटर लिख कर दिया कि आइंदा घाटी के अंदर से कोई भी पेशेंट की गाड़ी ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं उठाएगा और अगर कभी कोई खुदा ना खास्ता गाड़ी उठाने का इंसिडेंट होता है तो आप फ़ोन कीजिए मुझे। मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है, मैं एमआईएम सिटी प्रेसिडेंट हूँ, मेरा मुझे कॉल करिए या दारुसलाम पर आइए, आपकी गाड़ी छुड़ाने की जिम्मेदारी मैं लूँगा और वो पुलिस वाले को वहीं पर जगह के ऊपर सस्पेंड करने की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा।